बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल इन योर न्यू क्लास, क्लास 4. आई एम योर मैथ्स टीचर. हाउ आर यू गर्ल्स? आपका न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है और आप लोगों ने न्यू नोटबुक्स बाय करनी है. आपकी मैथ्स की नोटबुक कुछ इस तरह से होगी, ठीक है, येलो कलर की, और आपके पास यहाँ पे ब्रॉड लाइंस की होगी, ठीक है. यहाँ पे देखिए, आपके पास कार्ड कवर है. इसकी आउटर जो जितनी चीज़ें हैं, फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये आपने कंप्लीट करनी है. सीरियल नंबर, नेम, क्लास सेक्शन एंड योर सब्जेक्ट. ओके, देन आप इसको ओपन करेंगे और इसका इनर कार्ड कवर भी आपने फिल करना है. एज़ यू नो वेरी वेल, आप लोग क्लास 1, 2, 3 में ये कर चुके हैं. यहाँ पे देखिए, आपके पास सीरियल नंबर है, नेम, क्लास, सब्जेक्ट, ब्रांच, सेशन, टीचर्स नेम, इसको छोड़ दें सिर्फ. टर्म आपके पास मिड टर्म है. ओके, नाउ उसके बाद आपका जो सेशन है वो क्या है? मिड टर्म है. मिड टर्म 2021 एंड 2022, ठीक है. आपने इस तरह से टाइटल पेज रेडी करना है. देन नेक्स्ट पेज पे आप लोग आ जाए. ओके ओके, मैं थोड़ा सा आपको आपके कोर्स कंटेंट के बारे में बता देती हूँ, ठीक है, जो कि आपको टास्क में भी हेल्प देगा और थोड़े से आपके माइंड में आ जाएगा, क्योंकि आपकी बुक्स चेंज हो रही हैं. 1 to 5 क्लासेस की सारी जो बुक्स हैं वो चेंज हो रही हैं, तो इसीलिए आप सिर्फ टॉपिक्स को ही देखें. आपके पास यहाँ पर कोर्स कॉन्टेंट क्या है, यहाँ पर आप देख लें. आपके पास सेशन 2021 to 22, यूनिट्स आपके पास क्या हैं, चैप्टर्स नेम देख लें. आपके पास नंबर एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन है, ठीक है. उसके बाद फैक्टर एंड मल्टीपल्स है, और उसके बाद है आपके पास ज्योमेट्री, ठीक है. इसके बाद ज्योमेट्री में आपके पास डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, पैरेलल लाइन, नॉन पैरेलल लाइन. ओके, नॉन पैरेलल लाइन, फिगर आपने करनी है. नेक्स्ट आपके पास अगेन एंगल्स हैं, एंगल्स की डेफिनेशंस हैं, एंगल, टाइप ऑफ एंगल, विथ फिगर, यूज, प्रोटेक्टर, पेज 181 to 189 एंड ओरल टेबल 2 to 12. ये आपका कोर्स कंटेंट है. अगेन मैं आपको बता देती हूँ कि आपने अपनी मैथ्स की न्यू नोटबुक, जो आपकी नीट नोटबुक है, उसमें आपने अपना ये कोर्स कंटेंट कंप्लीट करना है, ठीक है. इसके लिए 2 पेजेस पे है, ये आप देख लें, अगेन देख लें, ठीक है. स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं. इसके बाद आप आ जाएं यूनिट नंबर 1, नंबर एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन, ठीक है. ये आपका यूनिट नंबर 1 है और ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हम आपको बता रहे हैं, जो कि आपको टास्क में करने में हेल्प देंगी, ठीक है. अच्छा, यहाँ पे देखिए, आपके पास एक जर्नल इन्फॉर्मेशन है कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. आप इसको अच्छी तरह से देख लें और आप लोगों ने इसी तरह से अपनी जो नीट नोटबुक है इसको कंप्लीट करना है, ठीक है. थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. क्लास 1, 2 एंड 3 में आप प्लेस वैल्यू के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं, ठीक है. अगेन थोड़ा सा, क्योंकि अब आपके पास नंबर्स ज़्यादा हो गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग प्लेस वैल्यू भी ज़्यादा हो गई है, ठीक है. इन क्लास 3 आप लोग क्या करते थे, सिर्फ आप लोग 100,000 तक के नंबर्स की प्लेस वैल्यू के साथ सारा काम करते थे, लेकिन अब आपके पास मिलियन, 10 मिलियन के नंबर्स भी आ गए हैं, ठीक है. तो अगेन हम स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे आपके पास क्या है, वंस, ठीक है, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000. अब 100,000 के बाद आपके पास क्या है, मिलियन. ये न्यू प्लेस वैल्यू है जो आप अब सीख रहे हैं क्लास 4 में, मिलियन. इसके बाद आपके पास क्या आ जाती है, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, ठीक है. 100 मिलियन तक की प्लेस वैल्यू आपके पास आ जाएगी और ये कुल मिला के आपके पास टोटल 9 डिजिट्स हो जाएंगे. तो अब आपका काम 9 डिजिट्स के साथ है, ठीक है. इसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे इन सब की प्लेस वैल्यू लिखनी है, ठीक है. इसी के अकॉर्डिंग हम आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, ठीक है. यहाँ पे आपके पास क्या है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द नंबर्स. यहाँ पे आपको कुछ नंबर्स मेंशन है, ठीक है, नंबर्स मेंशन है, आपने जस्ट इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है. व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2? आप पेंसिल से इसमें प्लेस वैल्यू भी दे सकते हैं, ठीक है. प्लेस वैल्यू देने से आपके लिए ईजी हो जाएगा इन नंबर्स को फाइंड करना. ओके, अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास सबसे पहले ओरिएंटेशन गोज़ टू 10 मिलियन. अब हम डिजिट्स काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. हमारे पास 8 डिजिट्स हैं और 8 डिजिट्स मीन कि 10 मिलियन तक की 100 मिलियन का नंबर हमारे पास यहाँ पे नहीं है. तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं. हमेशा प्लेस वैल्यू राइट साइड से ही स्टार्ट होती है. अब आपके पास 2 की प्लेस वैल्यू क्या है, वंस. जस्ट यू राइट इन स्पेलिंग्स वंस. व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5? द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज़ टेंस.
What is the place value of 4? The place value of 4 is 100. 100. Okay, what is the place value of 1? The place value of 1 is 1000. ठीक है, ये आपके पास 1000 आ जाएगा. 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10,000. आपने कंप्लीट स्पेलिंग्स ही लिखने हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना, कंप्लीट स्पेलिंग्स में ही इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है. द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज 100,000. 100,000. और ये आपने अपनी नीट नोटबुक्स पे करना है, ये आपको टास्क करने में हेल्प देगा. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 8? मिलियन. MILLION, मिलियन. एंड द 3 प्लेस वैल्यू इज 10,000,000. ओके, यहाँ पे आपकी ये प्लेस वैल्यू का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. अच्छा, लगाओ. ओके, इसमें आपने ये एरो हेड्स भी लगाने हैं, ठीक है. इट्स मीन के नेक्स्ट आपके पास ये है. ओके, क्लियर. अच्छा, यहाँ तक तो ये कंप्लीट हो गया. इसी के अकॉर्डिंग आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट इन द फॉलोइंग, ठीक है. अब यहाँ पे पहले तो आपने किया था कि सारे नंबर्स की प्लेस वैल्यू बताई थी, बट अब आपके पास स्पेसिफिक एक डिजिट सर्कल हुआ है. यू जस्ट राइट द सर्कल डिजिट प्लेस वैल्यू, ठीक है. सबसे पहले आप नोटेशन दे दें, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन एंड 10,000,000, ठीक है. प्लेस वैल्यू दे दें, फिर आप सब नंबर्स को अरेंज करें. 0, 0, 1, 1, 3, 2, 9 and 2. अब हमें यहाँ पे सर्कल डिजिट कौन सा है? 9. व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 9? आपने अपन नोटेशन दी हुई है, आप इसको इजीली लिख सकते हैं. द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इज मिलियन. बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है. इस प्लेस वैल्यू देने से किसी भी नंबर को आप इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है. ये सारा काम आपको टास्क में करने में हेल्प देगा, ठीक है. टास्क में ये इस तरह के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, ठीक है. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमरल्स. अब न्यूमरल्स क्या होते हैं, ठीक है. जब आपके पास कोई भी इन वर्ड्स या स्पेलिंग्स में स्टेटमेंट लिखी हुई है, आपने उसको न्यूमरल्स में चेंज करना है, नंबर्स में चेंज करना है. अब आप इसको नंबर्स में कैसे चेंज कर सकते हैं? सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस में रीडिंग का आना बहुत ज़रूरी है. आप इन नंबर्स को 1, 2, 3 टाइम्स रीड करें. यहाँ पे जो क्वेश्चन है, 9,024,054. 9,000,000, योर नोटेशन गोज टू मिलियन. ये मिलियन तक के नंबर जा रहा है. यहाँ पे 10,000,000 का नंबर नहीं है. अगर यहाँ पे 29 होता या 39 होता तो इट्स मीन कि वो 10,000,000 तक का नंबर होता, बट यहाँ पे 9,000,000 है. इट्स मीन कि ये नोटेशन आपकी मिलियन तक जा रही है. तो सबसे पहले आप बॉक्स बनाएं, प्लेस वैल्यू का बॉक्स आपने हर क्वेश्चन में ड्रॉ करना है, ठीक है. यहाँ पे आपके पास क्या है? वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, हंड्रेड थाउजेंड एंड मिलियन, ठीक है. मिलियन तक के हाउस बना लें आप. उसके बाद अब आप यहाँ पे रीड करें, 9,000,000. 9,000,000, अब आपके पास 9 की कहाँ पे आ जाएगा? मिलियन की प्लेस पे, ठीक है. 9,024,000 मीन्स कि जो यहाँ पे 100,000 का नंबर है वो मिसिंग है. वो यहाँ पे कोई नंबर 100 का नहीं है, क्योंकि 100 एक वाहिद ऐसी प्लेस वैल्यू है जिसमें आपके पास वो हमेशा सेपरेटली लिखा जाता है और सेपरेटली रीड किया जाता है. लेकिन यहाँ पे 100 का कोई नंबर नहीं है, इसीलिए आपके पास क्या है? 24,000, सो 1,000 एंड 10,000, क्योंकि ये फ्रेंड्स हैं, ठीक है. और हमेशा इकट्ठे लिखे जाते हैं, ज्वाइन करके लिखे जाते हैं और ज्वाइन करके रीड भी किए जाते हैं. आप कभी इसको 24,000 नहीं कहेंगे, बल्कि आप इसको 24,000 कहेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 24,055. अगेन यहाँ देखें कि आपके पास 55 है, 100 का नंबर यहाँ पे अगेन मिसिंग है. तो इट्स मीन कि हमें इससे आगे जाना है. और हमारे पास टेंस एंड वंस, वंस एंड टेंस, ये भी आपके पास फ्रेंड्स ही होते हैं. तो जब ये फ्रेंड्स हैं तो इट्स मीन कि ये इकट्ठे ही लिखे जाते हैं, रीड किए जाते हैं, 55. तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? 55. अब यहाँ पे आप चेक करें कि कौन से ब्लॉक ऐसे हैं जो एम्प्टी हैं, खाली हैं बिल्कुल. तो यहाँ पे दोनों हंड्रेड्स के हाउसेस बिल्कुल एम्प्टी हैं, तो यहाँ पे आप ज़ीरो लगाएंगे, ठीक है. तो यहाँ पे आप इसको रीड करें, 9,024,055.
क्लियर? यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा, इजंट क्लियर? ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या है? कॉमर्स, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास क्या है? कॉमर्स। अब कॉमर्स आप कैसे पुट करते हैं? कॉमर्स के लिए आप लोग क्या करते हैं कि आपके पास डिफरेंट पीरियड हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी प्लेस वैल्यू में बताया कि आपके पास, जैसे यहाँ इसी क्वेश्चन में आप देखें कि आपके पास जब वंस, टेंस एंड हंड्रेड का हाउस के नंबर कंप्लीट हो जाते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं? यूनिट पीरियड, ठीक है? इट्स मीन कि आपके पास ये एक पीरियड कंप्लीट हो गया, ठीक है? जब आपके पास वन पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो आप एक कॉमा लगाते हैं, ठीक है? इसके बाद थाउजेंड का पीरियड स्टार्ट होता है, थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड। तो जब आपके पास थाउजेंड पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद एक कॉमा पुट करते हैं, उसके बाद आपके पास मिलियन का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, हम जब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है? हम यहाँ पे प्लेस वैल्यू भी दे सकते हैं, वंस, टेंस एंड हंड्रेड। इट्स मीन कि हंड्रेड के नंबर आने का मतलब ये है कि हमने इसके बाद कॉमा लगाना है, ठीक है? ये छोटी सी हिंट है कि आफ्टर हंड्रेड नंबर यू पुट अ कॉमा, आपने हंड्रेड के नंबर के बाद कॉमा लगाना होता है। इट्स मीन कि जहाँ पे हंड्रेड का नंबर आ गया वहाँ पे आपका एक पीरियड कंप्लीट हो जाता है, और जो वंस, टेंस, हंड्रेड है इस पीरियड को आप कहते हैं यूनिट पीरियड। यहाँ पे आपका यूनिट पीरियड कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आप एक कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट आपका पीरियड कौन सा स्टार्ट हो रहा है? थाउजेंड, ठीक है? थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड। नाउ अब आपकी नोटेशन कहाँ तक जा रही है? हंड्रेड थाउजेंड। अगेन आपके पास हंड्रेड का नंबर आ गया है तो फ़ौरन से आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि आपने हंड्रेड के नंबर के बाद भी कॉमा लगाना है, ठीक है? तो यहाँ पर अगेन आप कॉमा लगाएंगे, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखें आपके पास नेक्स्ट प्लेस वैल्यू क्या है? मिलियन एंड टेन मिलियन, ठीक है? अब आपके पास आगे कोई नंबर नहीं है, इट्स मीन कि हंड्रेड का नंबर नहीं है, तो यहाँ पे आपके और कॉमर्स नहीं लगेंगे। अच्छी तरह से देख लें गर्ल्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपके पास जस्ट टू कॉमर्स आए हैं क्योंकि आपके पास जस्ट टू पीरियड्स ही कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है? तो आपके पास जो टास्क आएगा, माई टास्क आएगा, उसमें आपके पास प्लेस वैल्यू के क्वेश्चन हैं, सर्कल डिजिट के क्वेश्चन हैं, और इसके अलावा राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट के क्वेश्चन हैं। तो ये वाले क्वेश्चन आपको हेल्प देंगे और आपने अपनी ये नीट नोटबुक्स पे ये वाले क्वेश्चंस आपने कंप्लीट करने हैं। ओके गर्ल्स, आफ्टर क्वेश्चन यू हैव अनदर क्वेश्चन, राइट इन वर्ड्स। ओके, अब आपने पहले आपके पास न्यूमरल था, आपने उसको वर्ड्स में चेंज करना था। अब आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है? नंबर्स हैं, अब आपने उसको वर्ड्स में चेंज करना है। पहले आपके पास वर्ड्स थे, उसको आपने न्यूमरल्स में चेंज किया था। अब आप इसको कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले सिंपल आप प्लेस वैल्यू दे दें, ठीक है? प्लेस वैल्यू के बाद थाउजेंड, टेन थाउजेंड एंड हंड्रेड थाउजेंड, मिलियन एंड टेन मिलियन, ठीक है? आपकी प्लेस वैल्यू कहाँ तक जा रही है? टेन मिलियन तक जा रही है, ठीक है? अब सबसे पहले आप इसकी रीडिंग करें। जब आपको इसकी रीडिंग करने आ जाएगी तो इसके स्पेलिंग्स लिखना आपके लिए बहुत आसान है। अब आप सबसे पहले ये देखें कि इसमें आपके पास फ्रेंड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है? टेंस एंड वंस, ये दोनों फ्रेंड्स हैं। आपके पास थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड, ये दोनों आपके पास फ्रेंड्स हैं। मिलियन एंड टेन मिलियन, ये दोनों आपके पास फ्रेंड्स हैं, ठीक है? तो इन्हीं फ्रेंड्स की हेल्प से हम इसको लिख सकते हैं। अब लिखेंगे कैसे इसको? आपके पास क्या है? थर्टी फोर, ये दिस इज़ नॉट थ्री फोर बट दिस इज़ थर्टी फोर। आप क्या लिखेंगे? थर्टी फोर, थर्टी फोर मिलियन, थर्टी फोर मिलियन। अब आपके पास नेक्स्ट क्या है? सिक्स हंड्रेड, जो हंड्रेड के नंबर हैं उनको सिर्फ हंड्रेड ही लिखेंगे, सिक्स हंड्रेड। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? थर्टी थाउजेंड, थर्टी थाउजेंड। अगेन आपके पास क्या है? टू हंड्रेड है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू हंड्रेड, टू हंड्रेड एंड, क्योंकि ये वंस टेंस फ्रेंड्स हैं, फोर्टी सेवन, फोर्टी सेवन, ठीक है? यहाँ पे देखिए आपके पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? तो ये लेक्चर आपका यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चंस पे मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी, ठीक है? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।